हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा एवं मुस्लिम समाज के द्वारा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के दौरान सफाड़ा चौराहे से आयल मिल के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से रमजान खान की मौत हो गई। उसको लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने नाम जिला कलेक्टर बीएल कोठारी को ज्ञापन सौंपा और बताया कि गौरव यात्रा के दौरान जालौर से बिशनगढ़ में मुख्यमंत्री महोदय की आम सभा में भाग लेने जा रहा था। कार्यकर्ता रमजान खान निवासी पिंजारों की मस्जिद के पास बड़ी पोल के अंदर जालौर शामिल होने के लिए जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने सफाड़ा चौराहे से ऑयल मिल के बीच में टक्कर हो गई। उसके बाद रमजान खान को तुरंत बाद ही सामान्य चिकित्सालय जालौर में इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। ज्ञापन में बताया कि इस परिवार को सहायता रूपी 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तथा 16 वर्षीय पुत्र की सेकेंडरी योग्यता अथवा दिव्यांग पत्नी खुर्शीदा बानो को उनकी योग्यताओं के आधार पर उनके परिवार की विकट स्थितियों को परिलक्षित कर सेकेंडरी योग्यता अथवा दिव्यांग पत्नी खुर्शीदा बानो को उनकी योग्यताओं के आधार पर उनके परिवार की विकट स्थितियों पर परिलक्षित कर सरकारी नौकरी दिलवाई जाए। इस दौरान काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।